गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं क्लास सिक्स के बारे में भी बात करने जा रहा हूँ, एसएसटी में मैंने आप लोग को दो वीडियो दिया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। दो वीडियो आप लोगों को मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब तीसरा वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। देखिए, कहता है सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि हिस्ट्री जो हम लोग जानते हैं, हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं, ये हिस्ट्री आया कैसे, लिखाया कैसे है ना, इसका क्या सोर्स था, कैसे आया, उसके बारे में जानते हैं। कहता है वी कैन लर्न अबाउट द इवेंट्स ऑफ द पास्ट फ्रॉम मेनी सोर्सेज, देयर आर दीज आर है ना लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल एंड ओरल रिसोर्स। देखिए, हिस्ट्री का मेनली तीन सोर्स होता है, हिस्ट्री प्राप्त करने का, हिस्ट्री जानने का मेनली तीन सोर्स होता है। नंबर एक लिटरेरी, दूसरा आर्कियोलॉजिकल और तीसरा ओरल। ठीक है, लिटरेरी रिसोर्स रेफर टू रिटेन अमाउंट फ्रॉम accounts from the past. These sources provide information of the social, political, economic and cultural condition of the time period during which they are written. कहता है literary source का मतलब ये होता है कि वो कोई चीज़ लिखा हुआ रहता है। जैसे पुराने ज़माने के लोग कोई चीज़ लिख के, कागज़ पे हो या किसी भी पेड़ के पत्ती पे हो, कोई चीज़ लिख के और रख के चला गया, 100 साल 200 साल 300 साल बाद आदमी को वो चीज़ मिला, तो वो चीज़ पढ़ कर, लिख देख कर, जान कर ये पता चलता कि या उस ज़माने के लोगों की सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, कल्चरल, सभ्यतिक है ना, उसकी सभ्यता, इस सब का कैसा कंडीशन था। तो पहला ये क्या मिला, लिटरेरी। दूसरा है आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल सोर्स रिफर्स टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पास्ट डैट दे हैव सर्वाइव टिल नाउ। आर्कियोलॉजिकल मतलब कोई भी इमारत बना दिया, कोई भी भवन का निर्माण करा दिया और वो आदमी जो है 200 साल 500 साल 1000 साल पहले वो चीज़ बना हुआ है ना, उन चीज़ को देख कर हिस्ट्री का पता चलता है। दिस इंक्लूड मोनूमेंट्स, ये क्या हो सकता है, कोई मोनूमेंट, कोई जो है सो मोनूमेंट मतलब स्मारक, कोई स्मारक बना हुआ है या कोई क्वाइन है, कोई पेंटिंग है, कोई स्कल्पचर है, कोई पोएट्री है या फिर जो है सो कोई पोएट्री या फिर ज्वेलरी ETC हो सकता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में दीज ऑब्जेक्ट्स गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, एक्सपर्टनेस ऑफ द क्राफ्ट्समैन, लाइक लिंक्स टू द अदर थिंग्स। देखिए, ये सब चीज़ देखने से हमें उस ज़माने के सोसाइटी के बारे में, उस ज़माने के जो हाथ के कलाकार है उसके बारे में पता चलता है। ओरल सोर्सेज रेफर टू द इन्फॉर्मेशन डैट इज पास थ्रू डाउन वर्ड ऑफ माउथ इंक्लूड। अब देखिए, ओरल सोर्स में क्या मतलब आता है, ओरल सोर्स में आता है कोई भी ओरली मुँह से कहा गया, जैसे कोई गाना बना होगा, कोई स्टोरी बना होगा, कोई लीजेंड, कोई मिथ वगैरह बना होगा, तो ये सब चीज़ सुनकर भी हमें ये पता चलता है कि उस ज़माने का हिस्ट्री कैसा था। अब इन चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ हिस्ट्री को जैसे हम बता है लिटरेरी सोर्स और है ना आर्कियोलॉजिकल सोर्स और ओरल सोर्स। ठीक है, अब इनको भी क्या किया गया है, इन तीनों सोर्स को भी डिवाइड किया गया है ना। जैसे लिटरेरी सोर्स को वो दो टाइप किया गया है, एक फॉरेन सोर्स और एक इंडिजेनस सोर्स। फॉरेन सोर्स अगर विदेश में कोई आदमी विद्या होगा, विदेशी आदमी कोई भी लिटरेरी बना के है ना गया होगा तो उसे फॉरेन सोर्स कहेंगे। इंडोजेनिक अपने देश में जो बना हुआ, इंडोजेनिक सोर्स को भी डिवाइड कर दिया गया है दो पार्ट में, एक सेक्रेट और एक सेकुलर। सेक्रेट लिटरेचर मतलब जो कोई पवित्र, किसी भी धर्म का, जैसे कोई पवित्र रामायण है, महाभारत है या कोई भी जो है मुस्लिम धर्म का हो या किसी भी धर्म का कोई चीज़ लिखा होगा। सेकुलर लिटरेचर का मतलब होता कि वह किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं होगा, जैसे कोई कला है, जैसे कोई मान के चलिए स्टोरी वगैरह होगा या फिर कोई चीज़ होगा, ये सब चीज़ किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या होता है, कोई बिल्डिंग होता है, क्वाइन वगैरह भी पहले हम बता दिए। ओरल सोर्स कोई सॉन्ग, मिथ, स्टोरी वगैरह है ना। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, दस फॉर कंप्लीट द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इंपॉर्टेंट। अब देखिए, हिस्ट्री के बारे में जब हमें जानकारी मिलता है किन चीज़ों से, ये मेनली तीन चीज़ों से, लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल और तीसरा ओरल है ना। चलिए, लिटरेरी सोर्स रिसोर्सेज क्या होता है पढ़ते हैं। अब इसके बारे में हम कहता है लिटरेरी सोर्सेज रेफर टू द रिटेन पीरियड का पार्ट ऑफ पेपर वाज इंट्रोड्यूस अराउंड 13th century इन इंडिया बिफोर द इंट्रोडक्शन डॉक्यूमेंट वेयर रिटेन एंड पब्लिश बार को पीछा। पहले हम बता दिए है कि लिटरेरी रिसोर्स का मतलब क्या होता है, वो लिखा हुआ रिटेन रिपोर्ट रहता है पुराने ज़माने में। ठीक है ना, और इस सबसे पहले आप लोग को पता होगा
कि जो है सो पेपर 13वीं सेंचुरी में पेपर का आविष्कार हो गया था, लेकिन उससे पहले आदमी किस चीज़ पे, उससे पहले जो है आदमी किस चीज़ पर लिखते थे, वह पेड़ के पत्तों पे लिखते थे, है ना, पाल्म का लिख, पाल्म मतलब बेर होता है, उसके पत्तों पे लिखते थे, बार्क पे, जो पेड़ का जो बार्क होता था, छाल होता था, उस ज़माने में बिर्च नाम का एक ट्री होता था, उसके बार्क पे ये चीज़ लिखा जाता था, समझे ना। और जैसे उसे भोजपत्र भी कहा जाता था। दिस डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट बिकॉज दे वर रिटन बाय द हैंड इन द कॉन्फर्म रिलेटिव। देखो उन वो सब जो चीज़ लिखे जाते थे, पेड़ के पत्ता पे लिखा जाता हो या किसी भी पेड़ के बार्क पे लिखा जाता हो, तो इन सब चीज़ों को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था। मैनू मतलब होता है हैंड, हाथ, हाथ से लिखा गया चीज उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया। मैन्यू एक लैटिन वर्ड है जिसके वजह से मैन्युस्क्रिप्ट उसे कहा जाता था। व्हाइल इंसेक्ट एंड फायर हैड डिस्ट्रॉयड मेनी स्क्रिप्ट सम ऑफ द देम आर प्रीडिजर्न इन टेबल, कहता है कि जब हम इसको लिख कर रख देते थे तो इसमें क्या होता था, जो पेड़ के पत्ता पर लिखा हो या बार्क पे लिखा होगा, तो जब हम इन सब चीज़ों को लिख के रख देते थे तो उसको कीड़ा वगैरह, इंसेक्ट वगैरह जो है क्या होता था, ख़राब कर देता था, आग लग जाता था तो जम जाता था, है ना। ये प्रिजर्व इन टेम्पल्स मोनास्ट्रीज एंड लाइब्रेरी, इन चीज़ों को टेम्पल में, मोनास्ट्रीज में, लाइब्रेरी में रखा जाता था, ठीक है, है ना, उस सब चीज़ों में रखा जाता था। दीज मैनुस्क्रिप्ट गिव इन्फॉर्मेशन ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट लाइक मेडिसिन, साइंस, लिटरेचर, प्रैक्टिस एंड बिलीफ। ये जो मैनुस्क्रिप्ट होते थे जो हाथ से लिखा हुआ रहता था, वह सब जो है मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में, धर्म के बारे में, इन सब चीज़ के बारे में जानकारी देता था। इन नॉर्थ इंडिया मैनुस्क्रिप्ट वेयर रिटेन इन संस्कृत, पाली और प्राकृत, व्हाइल इन साउथ तमिलनाडु यूज। अब देखिए नॉर्थ इंडिया में संस्कृत यूज होता था, पाली भी यूज होता था, लैंग्वेज का नाम है ये सब, जबकि साउथ इंडिया में तमिल यूज होता था, है ना। लिटरेरी सोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंडिजिनस एंड फॉरेन। अब देखिए आप लोग को पहले हम दिखाए, यहाँ पे लिटरेरी रिसोर्सेज को दो भाग में डिवाइड किया गया, एक फॉरेन सोर्सेज और दूसरा इंडिजेनस सोर्सेज। इंडिजेनस सोर्सेज इंक्लूड वर्क ऑफ इंडियन राइटर्स। इंडिजेनस सोर्स में जो आएगा वह क्या हो जाएगा, हमारे इंडिया का जो मतलब राइटर होगा, जो लिखा होगा वो इंडिजेनस सोर्स में आ जाएगा। फॉरेन वर्क इंक्लूड द टेक्स्ट बाय द फॉरेन हु विजिटेड इंडिया एट द होम साइट फॉर द अदर ऑफ एंड रिकॉर्डेड देयर एक्सपीरियंस राइटिंग ऑफ द ट्रेवल्स लाइक, है ना, में लास्ट मेगाथिन्स एंड फार इनकम। देखिए कुछ विदेशी आदमी जो इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया के बारे में लिख के चला गया, जो चीज़ देखा उसके बारे में लिख के चला गया, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फॉरेन सोर्सेज कहेंगे। जैसे जो है सो फाहिन नाम का एक आदमी इंडिया में आया हुआ था यात्री बन के, है ना, तो वो लिखा हुआ था। इंडिजेनस लिटरेरी सोर्सेज कैन फर्दर भी डिवाइडेड इंटू स्केटेड। आप देखो इंडिजेनस को भी दो भाग में डिवाइड किया गया, जैसा कि हम पहले बता दिए हैं, एक सैकर्ड लिटरेचर और दूसरा सेकुलर लिटरेचर, है ना। सैकर्ड लिटरेचर का मतलब क्या होता है कि जो है किसी राइटिंग ऑन रिलीजियस देम रिफर टू द सेकर्ड रिलीजियस, किसी खास धर्म से रिलेटेड होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे सेकर्ड लिटरेचर, वो किसी एक धर्म से रिलेटेड होगा। जैसे रामायण, महाभारत, वेद, है ना, ये सब क्या है, किसी धर्म से रिलेटेड है। बुद्धिस्ट का त्रिपिटकास और जैन का अंगस, ये सब चीज़ जो है ना सेकर्ड लिटरेचर का एग्जाम्पल है। उसी तरह राइटिंग विच आर नॉट रिलीजियस इन द नेचर आर टर्म इन द, है ना, सेकुलर लिटरेचर। और जो लिटरेचर किसी धर्म से रिलेटेड नहीं होगा उसे हम लोग कहते सेकुलर लिटरेचर। इसमें क्या आता है, पोएट्री, ड्रामा, है ना, वर्क्स ऑन ग्रामर, साइंस, पॉलिटिक, ये सब चीज़ जो है किसी भी खास धर्म से रिलेटेड नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेकुलर लिटरेचर, है ना। जैसे अर्थशास्त्र बाय कौटिल्या, कौटिल्या ने अर्थशास्त्र लिखा, है ना। कालिदास ने क्या है, अभिजन शाकुंतलम लिखा, है ना, एंड फोक टेल सच एज, है ना, पंचतंत्र एंड सम एग्जाम्पल, और सेकुलर लिटरेचर, ये सब जो है ना सेकुलर लिटरेचर का कुछ एग्जाम्पल है। इन ऑर्डर टू रीड एंड अंडरस्टैंड मैनुस्क्रिप्ट द हिस्टोरियंस हैव टू लर्न द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट यूज द रिकॉर्ड सम एंशियंट लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। पढ़ लिया कि आदमी जो है ये सब स्क्रिप्ट को समझते थे, जानते थे, इसलिए ये सब चीज़ लिखते थे। सम एंशियंट लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट सच एज प्राकृत एंड ब्राह्मणी आर नो लॉन्गर इन यूज। देखो कुछ पुराने लैंग्वेज है जैसे ब्राह्मणी, प्राकृत, ये कुछ जो लैंग्वेज है, पुराना लैंग्वेज, वह लैंग्वेज जो है वह भाषा ज़्यादा दिन नहीं चला, आदमी जो है ना उस भाषा को यूज़ करना छोड़ दिए, इससे उसका जो है ना लगभग वो भाषा सब खत्म हो गया। देर आर सम एंशियंट स्क्रिप्ट व्हिच आर स्टिल नॉट नोन अस, है ना, कुछ ऐसे भी स्क्रिप्ट है पुराने ज़माने के, कुछ ऐसे भी स्क्रिप्ट है जो क्या है, हम लोग आज उस स्क्रिप्ट को नहीं जानते हैं, है ना। द हरप्पा स्क्रिप्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्रिप्ट डैट हिस्टोरियंस आर स्टिल अनएबल टू डिसिपायर। जैसे हरप्पा संस्कृति का जो स्क्रिप्ट था, तो उसे जो है अभी भी लोग उसको नहीं समझ पाए, अभी भी लोग उसको नहीं पढ़ पाए, ठीक है। तो ये पहला जो था लिटरेसी सोर्सेज,
है ना। अब आप लोग को हम दूसरा वीडियो में बात करेंगे आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज का।